चलिए, थैंक यू, आपका सजेशन अच्छा लगा। चलते बाइक पे मेरा अंगूठी खींच रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गुड मॉर्निंग सबको, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:30। आज मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गया हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज हम एक अपने जो हमारा वेब सीरीज था उसके थर्ड एपिसोड के शूट पे जा रहे हैं। देख लीजिए कितने लोग हैं, हम कौन कौन जा रहे हैं, सारी टीम आ चुकी है। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। देख लीजिए, बस अब हम पहुँचेंगे वहाँ पर फटाफट शूट वाले लोकेशन पे। हाँ तो ठीक है, आपको पता है ना कौन कौन देखेगा? पता है ना कौन कौन, कटेगा नहीं एक भी कुछ। ठीक है, तोड़ देंगे तुम्हारा, समझ लो। हाँ ठीक है, चलिए अब निकला जाए फटाफट। तो वो इनको दे दीजिए, वो लेके आइए, किसी को बिठाने वाला तो बिठा लीजिए। बैग ले लिया, बैग में क्या बैठे? बैग में कैमरा उमरा है। साइकिल से आओ। हाँ क्या गाड़ी का बनाया गया चलाने के लिए की? तो चला जाएगा, चला के बाद चला रहे। चल चल, अरे अरे फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने एक बहुत ही क्रेजीएस्ट शूट के लिए। आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो सोच के एक्साइटेड हूँ, हमारा फर्स्ट एपिसोड जो है अच्छा रहा, हिट रहा, लेकिन दूसरा वाला जो है वो काम बिगाड़ दिया, लेकिन तीसरा वाला फिर से क्रेजी शूट हो गया। बच्चाबाजी को देख लीजिए। ये आ ही जाते हैं वीडियो में घूम फिर के। सब धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे। सब लोग निकल चुके हैं शूट के लिए और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी देख के लग ही रहा होगा आप लोग क्या शूट होने वाला है, या तो अच्छा ही होगा या फिर बहुत गंदा होगा, कुछ बोला नहीं जा सकता है। हो ला ला, मौसम भी भयानक हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि अब बारिश आएगा तब बारिश आएगा, तो देखते हैं। बट जो भी हो, अपना काम जो हम कर रहे हैं वो निपटा के ही मानेंगे, उसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। शूट का लोकेशन आ गया है,
शूट के लोकेशन पे आ गए हैं। बकरी स्वागत करने के लिए पहले से खड़ी है। चलिए फिर अब अपना आगे का अपना काम जो है स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, सूट हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी सुमित कुमार बाबू सुसु करके आ रहे हैं। ये देख लीजिए, गाड़ी बाहर रखने से एक फ़ायदा है, हमें नहीं है लेकिन कुत्तों को है। अभी मैं दिखाता हूँ, मस्त बेचारे सोते हैं। तो ये अगर दिख रहा हो तो आप सबसे अपील है कि जब भी गाड़ी आप लोग आगे पीछे करें, बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है, तो नीचे ज़रूर से ध्यान दें, क्योंकि कुत्ते रहते हैं, वो बेचारे बोल नहीं पाते, उनको पता नहीं चलता है, कई बार कीचड़ा उन पे टायर चला जाता है। एक दो बार तो मेरे से भी गया है, तो मैं चीज़ ध्यान रखता हूँ, आप लोग भी रखें, साफ़ सफाई बना के रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हो गया अपना नेक्स्ट डे, अभी हम निकल रहे थे गोपालगंज, तो मैं और मोटू ही निकलेंगे बेसिकली, क्योंकि हमारे ही पास है जो काम है, दोनों के जिम्मे ही। तो देख लीजिए, अभी आ चुका है उसी का छोटा भाई। चलो स्टार्ट करो। ठीक है, फिर मिलते हैं पहुँच के वहाँ पर, क्या प्लान है देखते हैं। चलिए, थैंक यू, आपका सजेशन अच्छा लगा। जो ड्राइवरी करते हैं उनको जरूरी है, आपके ऊपर वो दोनों है, ये नहीं कि आप उनके ऊपर नहीं है, है ना। ओके, फिर उल्टे आ रहा है। तो ये देखा आप लोगों ने, पुलिस वाले कैसे रोक के हेलमेट लोगों को दे रहे हैं, मतलब पैसे ले रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे हैं। तो वो तो अच्छा था कि मैंने हेलमेट लेके रखा था, वरना अभी फाइन कटता अच्छा खासा मोटू मलमल पे। कि पुलिस वाले समझते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है, उनको बातों से पता चल जाता है। चलिए तो फिर निकलते हैं, आप लोग भी ऐसी गलती ना करें, ट्रिपलिंग ना घूमें, हम ट्रिपल थे तो फटाफट बढ़ते हैं गोपालगंज। तो सीन कुछ ऐसा है कि अगर आज फाइन लगता हम पे तो इतना ज़्यादा फाइन लगता। आप लोगों को दिख रहा होगा इस बाइक में मिरर्स नहीं है दोनों में से कोई, आगे का इसका हेडलाइट वेडलाइट कुछ नहीं है, मीटर कुछ नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है, ना आगे ना पीछे, शायद नहीं वो है। तो अगर ये पुलिस वाले चाहते तो बड़ा लंबा चौड़ा फाइन लगाते, और ऊपर से हम लोग तीन लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ अगर आप लोगों को तो। लेकिन फिर मैं उस टाइम मैं बीच में बैठा था, मैं बाइक चला भी नहीं रहा था, बाइक ये चला रहा था मोटू, पुलिस वाले ने हाथ दिया, मैंने बोला चल चल लेफ्ट ले उनके पास से, तो उन्हें पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है। मैं बोलता कुछ लेकिन वो समझ गए, मेरे हेलमेट में जो माउंट था आगे कैमरा, वो बोले कि आप ऐसे मत करिए, या तो आप चलाइए या ये चला रहे हैं तो इनको हेलमेट दीजिए। ये देख लीजिए, दशहरे की तैयारी हो रहा है, यहीं पर राजा दल जो है दुर्गा पूजा में बनता है। पूजा में टाइम है अप्रॉक्सीमेटली कितना दिन टाइम होगा, 10 दिन, लेकिन यहाँ पे एक महीना पहले से ये सब बनना स्टार्ट रहता है। ये गोपालगंज के स्टेशन वाला रोड है, जब बनेगा ना तो एकदम तगड़ा माहौल होता है यहाँ, तो मतलब फेमस रहता है यहाँ का। मैं तो आता नहीं हूँ लेकिन इस बार मैं आऊँगा और आप लोगों के लिए इस चीज़ को मैं कैप्चर करूँगा। वैसे तो बहुत सारे न्यूज़ वाले ये लोग आते हैं, हमारा ये है नहीं, बट कोई नहीं, बाकी आप लोग इसकी मेकिंग देखो, बड़ा लंबा चौड़ा बड़ी बजट वाली चीज बोले। अंगूठी चोर से मिली है, नया चोर एक मार्केट में ऊपर आया है। तो लगे ले चल अफजल का लगे। तो बताइए, चलते बाइक पे मेरा अंगूठी खींच रहा है, आज होगा ये फेमस। मोबाइल भी ले रहा है हमारे दोस्त ने, कहा तो चलते गाड़ी को अंगूठी एक खींच रहा था, मुझे लगा सही तो चोर नहीं आ गया, निकल रहे घर के लिए।
चलो यहाँ से निकला जाए, हम लोग सोचे यहाँ से जा ही रहते हैं, नमस्ते करते जाए, घर तो पहुँचना ही है। तो अभी सीन ऐसा है कि हम आ चुके हैं यहाँ पे शॉप पे मोटू माल वाले के, तो अब यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ काम है वो निपटाएंगे फटाफट, जिसमें एक डेढ़ घंटा लगने वाला है। तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर ही जाए, क्योंकि इतना लंबा ये ब्लॉग हो चुका है, इतना लंबा हो चुका है पहले से ऑलरेडी, 2-3 दिन का इसमें मिक्सर। तो अभी इसको करते हैं पहले कंप्लीट और फिर आगे देखते हैं।